तो है गाइस, दिस इज योगेश शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? होप तो बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेलिंग वीडियो बनाई जाए, मतलब खुद ही लाइव वीडियो बना के देखते हैं अपन, जिससे मतलब अपन गाड़ी का एवरेज नापते हैं, ट्रैफिक में नाप के देखते हैं। तो मैं लगभग 4-5 किलोमीटर अपना जीरो ट्रिप पे सेट करके वो 4-5 किलोमीटर गाड़ी लेके जाऊँगा और फिर मैं देखता हूँ कि गाड़ी जो है अपना कितना एवरेज निकालती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ये ट्रिप बी है, इसको मैं सेट कर देता हूँ ज़ीरो पे। ये देखिए ज़ीरो हो गया है, एवरेज भी ज़ीरो हो गया है इसका, और इस ट्रिप को जो है मैंने सेट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं इस गाड़ी को जो है ट्रैफिक में चलाता हूँ और ये गाड़ी ट्रैफिक में कितना एवरेज निकालती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद में कुछ टाइम बाद में वीडियो बनाने वाला हूँ, जो अपने ट्रेवलिंग ब्लॉग्स होते हैं मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ टाइम के बाद में। तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार जो है मुझे मतलब इंस्पिरेशन देता है कि मैं आगे और भी कुछ करूँ, आगे और भी बढ़ता रहूँ धीरे धीरे। मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वही 40 है, और ये रोड थोड़ा सा ख़राब है, गड्ढे हैं, ये देख लीजिए आप, ये गड्ढे वगैरह हैं यहाँ पे। तो रोड की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी चलाने में, और वो आती ही है। मतलब ये जो रोड है ये इतना अच्छा नहीं है, हमें बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, गियर शिफ्ट करना पड़ता है। ये देखिए आप, मैंने गियर शिफ्ट किया हुआ है, फिर से मैंने थर्ड गियर पर ले ली गाड़ी। भैया तो बहुत तेज निकल गए, SIS की गाड़ी थी वो, ATM वालों की। मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ, अभी मेरी गाड़ी फोर्थ गियर में है और मैं बिल्कुल सिटी में ही चल रहा हूँ। अभी ट्रैफिक जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये इतना ही ट्रैफिक है अभी यहाँ पर, और जो ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो मतलब और अंदर सिटी में जब अंदर जाते हैं अपन, ज़्यादा अंदर सिटी में जाते हैं। अब ये क्या है, मैं सिटी के आसपास ही भटक रहा हूँ अभी। भाई लोग ये कट के पास से जो लोग ऐसे निकलते हैं ना, सच में मतलब ऐसा लगता है कि बस ये आएंगे और सीधे गाड़ी के अंदर ही घुस जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रैफिक आपके सामने है, मेरी गाड़ी जो है वो इको मोड पे है और गाड़ी अभी सेकंड गियर में है मेरी। या बस वाले को बिल्कुल सवर नहीं है यार, बस वालों से आप ना बिल्कुल सेफ गाड़ी चलाओ तो ज्यादा अच्छा है। बस वालों से जितना बच के हो सके उतना बच के गाड़ी चलाओ, आप अपनी लेन में रहें, आप सही हों, और बस जितना भी हो सके उतना बच के चलाओ, क्योंकि सही और गलत तो ठीक है लेकिन जिसको आना होता है ना वो बिल्कुल सामने आ जाता है। अब ये देखिए, अब ये भाई साहब खड़े हुए हैं सामने एक्टिवा लेकर के, ये देखिए ये इन्होंने निकाल दी और ये एक साइड से आए एक साइड से निकले। तो ऐसा होता रहता है कई बार। अब भोपाल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये जो ये ऑटोज है ना, ये क्रिएट करते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा समस्या भी जो है ना, ये स्ट्रीट कैटल्स, ये देखिए आप ये बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये भाई साहब ने गाड़ी साइड दबा ली और गाड़ी अपनी जो है फ्रंट में थी तो अपन को भी पीछे करना पड़ा। गाड़ी जो है हमारी 2.5 किलोमीटर चल चुकी है, 2.3 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, अभी हम इसको और लेके चल रहे हैं। और एवरेज जो है अभी इसने 12 का कर दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी मुझे, और मैं गाड़ी हमेशा जो है अपना AC पे चलाता हूँ, कभी भी मतलब नॉन AC नहीं चलाता हूँ मैं, विंडोज ओपन करके गाड़ी नहीं चलाता हूँ मैं, हमेशा मेरी गाड़ी जो है ना AC भी चलती है, मैं कभी विंडोज़ खोल के नहीं चलाता गाड़ी। उसका कारण सबसे अच्छा है भाई, गाड़ी जो है डस्ट से बचती है, डस्ट मस्ट वगैरह नहीं आ पाती गाड़ी के अंदर, और भी कई सारी अच्छे मतलब फायदे हैं उसके। ओ भैया, पर रूल्स की बात करें साहब तो भोपाल में तो रूल्स हैं पर मानता कोई नहीं है। भैया का हेलमेट वो लटक रहा है, वो देखो आप गाड़ी में दिख रहा है आपको, ये इस तरह की गलती कोई ना करे भैया, अगर हेलमेट है तो उसको बिल्कुल लगा करके चलें ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि हेलमेट होता ही है लगाने के लिए, टांगने के लिए नहीं होता है वो। हेलमेट का इतना यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है। सारे रूल्स को फॉलो करें, आपकी जान आपके हाथ। फ्रेंड्स, नई गाड़ी की जो खुशबू है ना, वो खुशबू की एक बात ही अलग है। मतलब आप कैसे भी फर्स्ट स्टेशन में हो, कुछ भी हो, आप आके अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, वो जो उसकी जो खुशबू आती है ना, नई गाड़ी की जो पार्ट्स की खुशबू आती है, जो प्लास्टिक की खुशबू आती है, वो खुशबू मतलब आपका माइंड है ना, उसको फ्रेश कर देती है एकदम। ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास ये देखिए ये रखा हुआ है, मैंने इसको लगाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्मेल इतनी अच्छी आती है वैसे ही, तो मतलब क्या करना है इसको लगा करके। बढ़िया है। अभी मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर में है, और ये 13.5 का एवरेज जो है, ये देखिए डिस्प्ले पे दिखा रही है। गाड़ी मैंने बिल्कुल ना तेज चलाई ना स्लो चलाई, मतलब ठीक है कि जो ट्रैफिक के हिसाब से ही गाड़ी मैंने चलाई है, ना बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा स्लो। और हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। तो फ्रेंड देखिए आप, गाड़ी का जो एवरेज है वो मैंने सिटी में अभी 3.4 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, जिसका एवरेज 13.5 निकल के आया है। और एसी मेरा ऑन है, ये देखिए मेरा जो एसी है ये भी ऑन है, इको मोड लगा हुआ है, ये देखिए एक नंबर पे एसी चालू है मेरा। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है, ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए बनाया, इसको बनाने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई गाड़ी आपकी इतना एवरेज देती है, इतना ज़्यादा कैसे देती है। तो भाई कई बार क्या होता है ना कि गाड़ी चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको एवरेज किस हिसाब से लेना है। भाई चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अगर आपको गाड़ी से अच्छा एवरेज चाहिए तो आपको एक प्रॉपर जो है ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर रश ड्राइविंग करते हैं तो भाई उसमें कोई भी गाड़ी, कोई भी कितनी अच्छी एवरेज देने वाली गाड़ी हो, वो एवरेज नहीं निकाल के दे पाएगी आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है गाड़ी लगभग 3-4 किलोमीटर चला के दिखाई आपको, और वो सिटी में ही गाड़ी चली है मेरी। मतलब ट्रैफिक भी आपने देखा, गड्ढे भी थे, ब्रेकर भी थे, सब कुछ यहाँ पे था। और इतने में अगर गाड़ी मेरी 14 का एवरेज निकाल रही है, 13.8 का एवरेज अगर मेरी गाड़ी दे रही है, तो कोई बुरा नहीं है। मैं एसी पे गाड़ी चला रहा हूँ, ऊपर से मेरी गाड़ी परमानेंट एसी पे चलती है हमेशा, कभी भी मैं जो है विंडोज ओपन करके गाड़ी नहीं चलाता हूँ। तो बस यही है कि मतलब अगर आप गाड़ी केयरफुली चलाएं, बिल्कुल हिसाब से चलाएं, जितना एक्सेलरेट की आवश्यकता है उतना एक्सेलरेट आप गाड़ी को कर दें, टाइम टू टाइम गियर शिफ्टिंग मतलब आपकी प्रॉपर होना चाहिए, गाड़ी आपका एवरेज बिल्कुल निकाल के देगी, इसमें कोई इशू नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको भी मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें अगर मेरे कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने यहाँ पे इस तरह की कोई गलत बात की है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।